स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर ऊना जिला प्रशासन की बैठक बचत भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता डीसी ऊना राकेश प्रजापति ने की, जिसमें एडीसी, एसडीएम व अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। सभी अधिकारियों को आजादी के समारोह में ड्यूटियां बांटी गयी और इन्हें पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। बाल स्कूल ऊना के ग्राउंड में होने वाले इस समारोह में शिक्षा विभाग सरकारी व निजी स्कूलों की सहभागिता सुनिश्चित करवाएगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में उच्च गुणवत्ता वाले साउंड सिस्टम का ही प्रयोग होगा। पिछले प्रोसीडिंग के हिसाब से हम चलते हैं, तब से इंप्रूव हो, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगस्त का जो महीना है इसमें बारिश की काफी संभावना रहती है, इसीलिए यूएमसी इस चीज को इंश्योर करेंगे कि बीच में पॉइंट आया हुआ था कि टाउन हॉल है ना, टाउन हॉल वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था सुनिश्चित करें, ठीक है। उसके सामने ही है जो ग्राउंड है, उसके सामने ही है टाउन हॉल, ठीक है। वहाँ नीचे बहुत गाड़ियाँ वगैरह पार्क रहती हैं, ठीक है। आपने उसके लिए दे रखा है, उसके लिए पार्किंग के लिए दे रखा है, उसके आसपास पार्किंग का भी जगह आप लोग देख लेना, ये खाली रहना चाहिए। और परेड वगैरह तो हम बाहर ही करेंगे, झंडा हमारा जैसे शुरू हो जाए, ठीक है। ये आप द्वार के लिए चार पांच जगह पे स्वागत द्वार का है, ये लोग आप लोग रूटीन में करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे इसको। और मैदान की सजावट के बारे में भी कमेटी बनी हुई है, मीटिंग के जो मेम्बर हैं, प्रोसीडिंग आप लोगों के पास पहुँचेगी। काइंडली एक बार प्रोसीडिंग जरूर देखें जब भी प्रोसीडिंग जाती है। मंच का ऐसा रहेगा, हम लोग एक दिन साथ में चलेंगे, ठीक है। मैं इसी साहब और एक बार चलेंगे और आपकी पुलिस की तरफ से भी कोई हो सकता है ना, मंच का एक बार देख लेंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ विकास कौंडल की रिपोर्ट।